दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और आज हम हैं देख लो दोस्तों, श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों, आज मैं यहां से लेके जाने वाला हूं आपको श्री गंगानगर से बठिंडा, और मैं आपको इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। तो दोस्तों, एक नंबर पर लगी हुई है श्री गंगानगर से झालावाड़ के बीच में चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन। और देख लो दोस्तों, तीन नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है हमारी ट्रेन श्री गंगानगर से बठिंडा के बीच में चलने वाली। और दोस्तों, यह है ट्रेन गंगानगर से चलेगी 5:30 बजे और लगभग बठिंडा पहुंचा देगी 8:30 बजे। और देख लो दोस्तों, कुछ इस तरह की है हमारी ट्रेन। और दोस्तों, बात करूं मैं श्री गंगानगर जंक्शन की, तो गंगानगर जंक्शन 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और ये एक जंक्शन पॉइंट भी है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन आ रही है बठिंडा वाली, जिस लाइन पर हम जाने वाले हैं अबोर मलोट वाली, और एक लाइन निकल जाएगी यहाँ से हनुमानगढ़ वाली, और एक लाइन निकल जाएगी यहाँ से सूरतगढ़ वाली। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है यहाँ का। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको डिपार्चर के टाइम पर। और दोस्तों, देख लो हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव WDP-4D लुधियाना शेड का। तो देख लो दोस्तों, अपने निर्धारित समय पर चल चुकी है हमारी ट्रेन श्री गंगानगर के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से। और देख लो दोस्तों, हमारे साथ भी चल पड़ी है श्री गंगानगर से झालावाड़ के बीच में चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन। इसका भी टाइम लगभग हमारे साथ ही है 5:30 बजे चलने का। और दोस्तों, ये जाने वाली है वाया हनुमानगढ़ होकर। और देख लो दोस्तों, हमारी ट्रेन की रेस लगी हुई है। तो दोस्तों, देख लो, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क बठिंडा वाली लाइन पर, फाउंडेशन वगैरह बनाने का। और वो हनुमानगढ़ वाली लाइन पर चली गई है दोस्तों, झालावाड़ सुपरफास्ट ट्रेन हमसे अलग हो चुकी है वो लाइन। और दोस्तों, रेलवे के हिसाब से हम एंटर कर चुके हैं अब अम्बाला डिवीजन में। पहले हम थे बीकानेर डिवीजन में गंगानगर रेलवे स्टेशन, और अब हम पहुंच चुके हैं अम्बाला डिवीजन के अंदर। और दोस्तों, देख लो, फाउंडेशन वगैरह मिलना शुरू हो चुके हैं। गंगानगर से निकलने के बाद दोस्तों, श्री गंगानगर से बठिंडा के बीच में 126 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं दोस्तों हम। दोस्तों, हमें लगने वाले हैं 3 घंटा 5 मिनट। और दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का पहला स्टॉप। गंगानगर से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मोहनपुरा रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप था।
देख लो दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं फतुही रेलवे स्टेशन। गंगानगर से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं फतुही रेलवे स्टेशन पर, और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है। और देख लो दोस्तों, कुछ इस तरह का है प्लेटफॉर्म फतुही का। तो दोस्तों, चल चुकी है हमारी ट्रेन फतुही रेलवे स्टेशन से 1 मिनट के स्टॉप के बाद, और यहाँ पर देख सकते हो फाउंडेशन वगैरह बनाकर पक्के कर लिए गए हैं। ये देख लो भाई, देख सकते हो यहाँ पर खंभे वगैरह लगाने का काम। तो गंगानगर से 26 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हिंदमन कोट रेलवे स्टेशन, और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है। और दोस्तों, यहां से पाकिस्तान लगभग कुछ ही दूरी पर है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना अगर जिस आपको पता है। तो दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों आपको डिपार्चर के टाइम पर। तो दोस्तों देख लो, हिंदमल कोट से निकलने के बाद उसके आउटर पर कुछ इस तरह का है वर्किंग। यहाँ पर पुल लगाने वगैरह का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, और आगे देख सकते हो आप पुल दिखने शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं कोठा पक्की रेलवे स्टेशन पर, और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है। और देख लो दोस्तों, फाउंडेशन वगैरह बनाकर पक्के कर दिए गए हैं यहां पर, और देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल प्लेटफॉर्म भी नहीं है इस स्टेशन पर, और ये एक सिंगल ट्रैक है दोस्तों।
दोस्तों एक मिनट के स्टॉप के बाद पंचकोसी से भी निकल चुकी है हमारी ट्रेन, और देख सकते हो यहाँ पर भी पोल लगाकर फिक्स कर दिए गए हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं किला वाली पंजाब रेलवे स्टेशन, और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ एक मिनट का स्टॉप है। तो मिलते हैं दोस्तों डिपार्चर के टाइम पर। और दोस्तों यहां से अबोहर है सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर। अभी हम एंटर कर रहे हैं अबोहर जंक्शन पर। अभी हम हैं आउटर पर। गंगानगर से 53 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अबोहर जंक्शन पर। और दोस्तों ये एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से निकल रही है बठिंडा वाली, और एक लाइन आ रही है गंगानगर वाली, और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी फाजिलका वाली। और दोस्तों आप यहाँ से फाजिलका के लिए भी ट्रेन बदल सकते हैं। और देख लो दोस्तों वायरिंग वगैरह के काम यहाँ पर, वायरिंग वगैरह और इलेक्ट्रिकेशन का काम भी बहुत तेज़ी से कम्प्लीट हो रहा है यहाँ पर। और कुछ ही दिनों में दोस्तों हमें इलेक्ट्रिकेशन लोकोमोटिव देखने को मिलेंगे अबोहर में। तो दोस्तों मिलते हैं आपको डिपार्चर के टाइम पर। और दोस्तों यहाँ पर हमारी ट्रेन का क्रॉस है, सामने से आ रही है बठिंडा से श्री गंगानगर के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। तो दोस्तों 2 नंबर प्लेटफॉर्म से चल चुकी है हमारी ट्रेन अबोहर जंक्शन से। तो देख लो दोस्तों अबोहर में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट होने वाला है, वायरिंग वगैरह भी लगा दी गई है।
और दोस्तों जो आप सामने वाली लाइन देख रहे हो ये लाइन गई है फाजिलका के लिए। दोस्तों श्री गंगानगर से 88 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पक्की रेलवे स्टेशन पर और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है। और देख लो दोस्तों सामने से आ रही है दिल्ली और श्री गंगानगर के बीच में चलने वाले इंटरसिटी सुपरफास्ट। तो दोस्तों स्किप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों श्री गंगानगर से 83 किलोमीटर यानी के 83 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मलोट रेलवे स्टेशन और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको डिपार्चर के टाइम पर। और देख सकते हो दोस्तों यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कम्प्लीट कर लिया गया है। दोस्तों 2 मिनट के स्टॉप के बाद चलती है हमारी ट्रेन मलोट रेलवे स्टेशन से। तो ये है दोस्तों फक्सी रेलवे स्टेशन और यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है ट्रेन का। और देख सकते हो दोस्तों प्लेटफॉर्म से पीछे ही खड़ी है हमारी ट्रेन। फक्सी रेलवे स्टेशन।
दोस्तों सामने लगी हुई है नांदेड़ से गंगानगर के बीच में चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन। तो दोस्तों गंगानगर से 99 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गिदड़बाहा रेलवे स्टेशन और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। तो देख लो कुछ इस तरह का है गिदड़बाहा रेलवे स्टेशन और यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो दोस्तों चल चुकी है हमारी ट्रेन गिदड़बाहा रेलवे स्टेशन से। दोस्तों श्री गंगानगर से 110 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बलुआना रेलवे स्टेशन पर और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है। और देख सकते हो दोस्तों हवा बहुत तेज़ चल रही है यहां पर। तो दोस्तों चल चुकी है हमारी ट्रेन बलुआना रेलवे स्टेशन से। तो देख लो दोस्तों बठिंडा का वॉशिंग लाइन और यहाँ पर देख सकते हो बारिश हो रही है। चलो दोस्तों बठिंडा में बारिश कितनी हो रही है और हमारा स्वागत हो रहा है बारिश के साथ। और देख लो दोस्तों बठिंडा में कितनी बारिश हो रही है। तो दोस्तों देख लो बारिश कितनी हो रही है, बठिंडा में रुकने का नाम नहीं ले रही। और दोस्तों ट्रेन हमारी ऑन टाइम बठिंडा जंक्शन पर पहुंच गई थी 8:35 पर। और दोस्तों बात करूं इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क की तो श्री गंगानगर से लेके बठिंडा तक इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और अबोहर से लेके बठिंडा तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कम्प्लीट भी हो गया है और गंगानगर से अबोहर के बीच में भी काम तेज़ी से चल रहा है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, काम कैसे चल रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का।